है डेक्सरिन सिरप के बारे में। ये एक हिमाटोनिक सिरप इसको बोलते हैं, और इसका काम होता है आपके बॉडी के अंदर अगर आपका ब्लड लेवल कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको ये सिरप डॉक्टर लिख के देते हैं, या फिर आमतौर पे इसको सभी लोग जानते हैं। तो जिसको ब्लड कम होता है तो कोई भी इसको अपना मार्केट से खरीद के यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी फेमस सी कंपनी है और काफ़ी पुराना भी ब्रांड है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी, आपको ज़रूरत कब पड़ती है और खून जब हमारे बॉडी में कम हो जाता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आती है। तो जैसे कि अगर आपकी बॉडी में ब्लड लेवल कम हो जाता है तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स आपको फील होने लगती हैं, जैसा कि आपको कमज़ोरी, बॉडी में कमज़ोरी आ जाती है, बॉडी में पतलापन हो जाता है, या फिर आँखों की विज़न आपका कमज़ोर हो जाता है, मतलब आपको दिखाई देने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आँख की कमज़ोरी जैसे बोलते हैं। और इसके अलावा चक्कर वगैरह आना, सर में दर्द होना, और बॉडी का श्रिंक होते जाना, और जो हम खाना पीना हमें नहीं लगता है, ये सब चीज़ें खून की कमी से आपको हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में ये सिरप आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और आप इसको पी के अपना ब्लड लेवल बढ़ा पाते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं डेक्सरिन सिरप के बारे में और ये कौन सी कंपनी है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, ये फ्रेंको इंडियन कंपनी है, जो फ्रेंको इंडियन फार्मास्यूटिकल है, और ये जो मैन्युफैक्चर्ड बाय वर्ल्ड एक्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड से ये मैन्युफैक्चर कराया जाता है। और दोस्तों इसका जो MRP है वो 120 है, और थोड़ा सा बार्गेनिंग करके आपको आराम से ये 110 रुपये के आसपास मिल जाता है 200 ml का बोतल। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इसको लेना कैसे है। दोस्तों इसका लेने का जो तरीका है, 10 से 15 ml आप सुबह और शाम इसको ले सकते हैं गर्म पानी के साथ या निवाय पानी के साथ। इसके अलावा कुछ कंडीशंस में अगर आपकी जो ब्लड लेवल थोड़ा ज़्यादा कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका ब्लड लेवल कितना है। तो आप इसको लेने से पहले आप ज़रूर अपने डॉक्टर से या फिर किसी फार्मासिस्ट से सलाह ज़रूर ले लीजिए, ताकि आपको सही तरीके से गाइडेंस हो सके और उनको आपको पता लग सके कि आपको ये लेना है या नहीं लेना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। देखो दोस्तों ये दवाई है और कुछ ना कुछ बॉडी में रिएक्शन करती है जाकर, तो हर दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको आ सकता है कुछ कंडीशंस में। तो इसके जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स जो हो सकते हैं इसके, उसमें आता है तो आपको जी मिचलाना और उल्टी का आ जाना, पेट में गर्मी सी हो जाना, और कभी कभी आप इसको लेते हैं तो आपको पेट में गर्मी भी फील होने लगती है। तो उस कंडीशन में आप कोई एंटासिड कैप्सूल ले सकते हैं साथ में। तो इसके अलावा आपको कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है कुछ कुछ पेशेंट्स को इसको लेने के बाद, और कुछ पेशेंट्स को घबराहट सी होने लगती है। तो उस कंडीशन में भी आप एंटासिड कैप्सूल अगर साथ में लेंगे तो आपको जो है ये साइड इफ़ेक्ट इसका कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट आपको इसके आ सकते हैं। तो आप कभी भी इसको ले तो आप अपने डॉक्टर से या अपना फार्मासिस्ट से अपनी बॉडी का सिस्टम के अकॉर्डिंग आप उससे सलाह ले लीजिए, ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसको किन किन चीज़ों के साथ नहीं लेना है। तो दोस्तों खाना खाने के फ़ौरन बाद आप इसको नहीं लेना है, और खाना खाने के तकरीबन 1 घंटे बाद आपको इसको लेना है। इसके अलावा कोई ऑयली फूड अगर आप ले रहे हैं तो उसके साथ आपको इसको नहीं लेना है, और जंक फूड के साथ आप इसको नहीं लेना है। और जब भी आप इसको ले तो कम से कम 1 घंटा पहले आपने खाना खाया हो, या फिर रात को सोने के टाइम आपको लेना है। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक नॉलेज इस सिरप के बारे में। अगर आपको इससे कोई भी जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आया हो, या फिर कोई सुझाव आप देना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, तो आप प्लीज़ हम कमेंट बॉक्स में आप बताइए ज़रूर, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ मिलते रहें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और